नमः शिवाय श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे अपने YouTube चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 जुलाई दिन बुधवार से श्रावण मास आरंभ हो चुका है, जो भगवान श्री को अति प्रिय है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे उपाय को बताएंगे जिसको करके अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले एक निवेदन करूंगा कि यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। या कि भोलेनाथ त्रिलोक के स्वामी हैं, तीनों लोकों में विख्यात हैं और सब लोग देवी देवता उनकी पूजा करते हैं सावन के महीने में। तो दोस्तों, आइए आपको मैं बताता हूँ कुछ उपाय। जो दोस्तों, यदि प्रमोशन नहीं मिल रहा है सर्विस में, तो आपको एक गोमती चक्र 1, 3, 7, 9 या 11 बिल्वपत्र जितना भी मिल जाए ले करके। और याद रखिए कि बिल्वपत्र सोमवार को नहीं तोड़ते कभी भी। सोमवार, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, एकादशी और प्रतिपदा तिथि को बिल्वपत्र तोड़ना वर्जित है। इसलिए रविवार को ही तोड़ें। इन तिथियों को फिर से भी तोड़ने से बचें। तोड़ के डंठल को जरूर तोड़ें पीछे का और रख लें उसको। सुबह सोमवार के दिन नित्यपति चढ़ाएं, एक गोमती चक्र, बिल्वपत्र और थोड़ा सा अक्षत चढ़ाने से, चावल चढ़ाने से लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है, धन की समस्याओं का समाधान होता है। तो इस उपाय को करें, निश्चित रूप से प्रमोशन होगा। जिस किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो 12 दुर्वा जो घास होती है, वो गणेश जी को अति प्रिय है, उसको चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है। 12 दुर्वा चढ़ाएं और गणेश जी की 12 नाम की पुस्तकें मार्केट में मिल जाएंगी, उसको आप ले सकते हैं। लेकर के स्मरण करें और भगवान शिव को काला धतूरा और सफ़ेद मंदार का पुष्प चढ़ाएँ। उनसे प्रार्थना करें, सावन भर में सच्चे हृदय से प्रार्थना कर लिया, एक बार भी कर लिया, एक भी दिन भी कर लिया, उस पर एक साल के अंदर आपको संतान के शुभ संकेत अवश्य प्राप्त होंगे और सुंदर, सुशील और विद्वान संतान की प्राप्ति होगी। और यदि घर में कलह रहता है, सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं हमेशा, तो भगवान शिव को दूर चढ़ाएं और खीर उनको प्रसाद में भोग लगाएं। भगवान शिव को खीर अति प्रिय है और यदि हो सके तो खीर से हवन भी करें, इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। यदि घर में कोई बार बार रोग से ग्रसित होता है, रोग उसका ठीक नहीं होता है, तो नित्यपति 21 बार, 51 बार या 108 बार जितना हो सके सावन भर महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और भोलेनाथ से प्रार्थना करें, रोग की शांति अवश्य मिलेगी। और देसी घी उनके अर्पण करें, इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी है तो नित्यपति बिल्वपत्र चढ़ाएं उनको 11 और दुर्वा चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं और सफ़ेद पुष्प उनको अति प्रिय सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं और हो सके तो 1008 बार ओम नमः शिवाय का जप करें, जो कि 25 से 30 मिनट में हो जाएगा। और ऐसा करें नित्यपति और देखिएगा जीवन में बदलाव अवश्य आएगा और भोलेनाथ की कृपा भी अवश्य प्राप्त होगी। और यदि जो व्यक्ति चाहता है कि भगवान शिव की हमेशा कृपा बनी रहे, तो उसको नित्यपति भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का मानस रूप से अजपा जप के रूप में नित्यपति मानसिक स्नान करना पड़ेगा, जिससे भगवान शिव की हमेशा कृपा बनी रहेगी और जीवन में तरह तरह के चमत्कार भी देखने को अवश्य मिलेंगे। इस प्रकार से मेरे जीवन में चमत्कार हुए हैं, दर्शन भी प्रभु का प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों, आप जानते हो जिस प्रकार से LKG से लेकर PhD तक पढ़ने वाला बच्चा यदि शब्दों को जोड़ा जाए तो कई हजार, कई करोड़ शब्द होते हैं। उसी प्रकार भगवान का नाम भी है, भगवान का नाम भी लेते लेते जब इंसान उस अवस्था तक पहुंच जाता है पूर्ण रूप से,
तब जाके उनकी पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त होती है, दर्शन भी प्राप्त होते हैं और तरह तरह के चमत्कार स्वतः ही जीवन में होने लगते हैं। और यदि आप इस उपाय को करेंगे तो अवश्य ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। मैंने तो 6-6 घंटे पूजन किया था उनका, क्योंकि आप देखो कि जो भी IAS तैयारी करने वाले बच्चे हैं और भी जो पढ़ाई करते हैं लोग, 6-6 घंटे 8-8 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो जाके उनको उसमें योग्यता प्राप्त होती है और वो उसके लायक बनते हैं। उसी प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त करने लायक बनने के लिए भी उतना ही कठिन से कठिन परिश्रम करना होगा, तन में, मन में, धन से धन में, उनको हर जगह उनको सम्मिलित करना होगा, धर्म के कार्य में रुचि दिखानी होगी, हर समय उनका चिंतन करना होगा, तभी जाकर के उनकी पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त हो सकती है। और कोशिश करें कम से कम असत्य बोलें, परोपकार करें, लोगों की सहायता करें। जब भी ऐसा हो जीवन में देखेंगे आप खुद ही बदलाव उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा और भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा ताकि आपकी सारी वीडियो की जानकारी मिलती रहे, और जो भी वीडियो बनाऊँगा वो सत्य होगा, झूठ नहीं होगा, फेक नहीं होगा और कल्याणकारी होगा। शेयर करेंगे तो और लोगों तक भी इसका लाभ मिलता रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।